लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने का अब काम कर रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में भाजपा का प्रचार और भी धुआंधार होने जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर प्रदेश की 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए 21 और 22 अप्रैल को प्रदेश में आ रहे हैं, जहां वे जनसभाएं कर अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी 21 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर और 22 अप्रैल को उदयपुर और जोधपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए 26 अप्रैल को रोड शो करने वाले हैं और साथ ही जालौर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद शाह 30 अप्रैल को भरतपुर और दौसा लोकसभा क्षेत्र में रंजीता कोहली और जसकौर मीणा के समर्थन में सभाएं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे परवान पे हैं और प्रचार अभियान के तहत प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के प्रवास लगातार जारी हैं और उसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी 21 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में सभा को संबोधित करेंगे दोपहर में 2:15 बजे। दूसरी सभा इसी दिन 21 अप्रैल को 5:15 बजे बाड़मेर में, ये दो सभाएं उनकी प्रस्तावित हैं। साथ ही 22 अप्रैल को एक सभा 4:00 बजे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में है और दूसरी लोकसभा जोधपुर में 6:15 बजे। ये चार कार्यक्रम 21 और 22 के प्रधानमंत्री जी के अभी प्रस्तावित हैं, जिनकी तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी लगभग राजस्थान में काफी समय से आते रहे, लोकसभा की दृष्टि से उनके दो कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं। 26 अप्रैल को अमित शाह जी रहेंगे रामसीन जालौर संसदीय क्षेत्र में, जहां उनकी 4:50 पे आम सभा है रामसीन में। इसी तरीके से 6:40 पे वो जोधपुर रहेंगे इसी दिन, जहां इनका लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोधपुर में।